हल्की सी मुस्कान लिए, न खुश न उदास, आपकी आंखों में देखती इस औरत को कौन नहीं जानता। इसे दुनिया की सबसे ज्यादा जानी और देखी जाने वाली पेंटिंग, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहा लिखा और पैरोडी बनाई गई है। आज से लगभग 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो द विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो कि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया में सबसे रहस्यमयी, सबसे फेमस बनाती है। आज हम आपको इस वीडियो में मोनालिसा के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 1, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल्स से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक अध्ययन से यह बात पता चली है कि जिस औरत को दविंची ने इस पेंटिंग में बनाया है, वह अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए है, इसीलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 2, सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है, मतलब यह सब दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वह दिखेगा। यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस करते हैं। नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 4, यह बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही यह काफी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर कभी नहीं हुई जितनी तब की जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया। नंबर 5, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि उनकी चोरी के इल्जाम में जिस शख्स को शक के घेरे में लिया गया था, वह थे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर यह चोरी करने का आरोप लगा, लेकिन बाद में पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया। नंबर 6, अब सवाल उठता है कि वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था। 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूजियम के ही कर्मचारी पेरुगिया ने चुराया था। म्यूजियम बंद होने के बाद वह पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया। 2 साल बाद पेरुगिया को तब पकड़ लिया गया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को यह पेंटिंग बेच रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली की उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। पेरुगिया को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई। नंबर 7, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी उपलब्ध है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दा विंची के समय में ही उनके एक स्टूडेंट ने इसे बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मेड्रिड के एक म्यूजियम में रखी है। नंबर 8, आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने किसकी तस्वीर बनाई थी, यह कौन औरत थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का यह मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वह फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत की थी, लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 9, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा की बाएं आंख की कोनी के पास एक छोटा सा निशान हो गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान आज भी हल्का दिखता है। नंबर 10,
लियोनार्डो द विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में न चली जाए। नंबर 11, लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है, जिसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्डो द विंची ने बनाया हो। यह पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में रखी है। नंबर 12, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स को इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। नंबर 13, मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी और मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। ग्रीन्स वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। आज मोनालिसा की कीमत 50 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। नंबर 14, 1519 में द विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रांस रिवोल्यूशन के बाद पेरिस के एक म्यूजियम में इसे रख दिया गया। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा लिया था। नंबर 15, जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे काफी छोटे साइज की है। इसका साइज 30x21 इंच का है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। द विंची ने इसे पेपर और कैनवास पर नहीं बनाया था, एक लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। द विंची के टाइम में पेपर और कैनवास मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर यह सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ही बेहतर होगा। नंबर 16, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने यह पता लगाया कि द विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज बनाई थी। उन्होंने बताया कि आईब्रो हल्की थी और पेंटिंग की सालों साल सफाई होते होते मिट गई। नंबर 17, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग मोनालिसा है और इटालियन में इसकी करेक्ट स्पेलिंग मोनालिसा है। इसका मतलब होता है माई लेडी। नंबर 18, अगर आप पेरिस के लूवर म्यूजियम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको एक पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वरोंसे ने बनाया था। दोस्तों, यह पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि यह पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है इसीलिए लोग इसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी, लेकिन इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े दिखेंगे। नंबर 19, द विंची ने इस पेंटिंग को ऐसे बनाया था कि इसका कोई अंत ही नहीं है। जब आप मोनालिसा की दो पेंटिंग को एक साथ जोड़ते हो तो आप देखेंगे कि इस पेंटिंग का वास्तव में ही कोई अंत नहीं है। नंबर 20, हाल ही में एक वेबसाइट ने यह बात बताई कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छिपा है। यह बात कितनी सच है इसकी तो अभी पुष्टि नहीं हुई, मगर जब हम मोनालिसा की दो पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बन जाती है, जहां पर विंची ने लिखा था कि उत्तर यहां है।